पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 12,723 हो गई। 269 शहरी जान की बाजी हार चुके। 2,860 से ज्यादा मुतअद्दिद शहर में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियां, सड़कों पर ट्रैफिक का रश बढ़ गया। मोटरसाइकिल पर दबसारी भी जारी। आवाम कोरोना लॉकडाउन हिफाजती इकदामात नजरअंदाज में लगी है। लाहौर में कोरोना जुज़्वी लॉकडाउन बरकरार। कानून शिकनी पर 2086 मुकदमा दर्ज। घर से निकलने वाले शहरियों से पूछताछ। सखर में खुशी शाह के मुलाजिम में कोरोना की तशखीस के बाद गंबर अस्पताल मुंतकिल। खानदान के बाकी 17 अफराद को घर में ही आइसोलेट कर दिया गया। पेशावर में कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। पाबंदी के बावजूद दुकानें खोलने पर 166 गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आवाम को घरों में रहने की हिदायत। हुकूमत ने मखसूस सनअतें खोलने की मशरूत इजाजत दे दी। SOP जारी। मुल्क भर में कोरोना लॉकडाउन। हुकूमती हिदायत पर तमाम गिरजा घर बंद। मसीह बरादरी की जानिब से घरों में खुसूसी इबादत और दुआओं का एहतमाम। मजहबी पेशवाओं की जानिब से घर रहने की हिदायत। शर्म ना एहसास, एहतराम रमजान और ना ही खुदा। किराफ रोशी पर जोर। लीमू 10 रुपए किलो। खजूर मशरूबात सभी दाल की कीमतों में मनमाने इजाफे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम। शहरी लुटने पर मजबूर। माह सयाम शुरू होते ही फलों में कीमतों में कई गुना इजाफा। शहरी फल देखकर और उनकी खुशबू पर ही इक्तफा कर मजबूर। गरा फरोशों को खौफ खुदा। कैरियों का एहसास ना ही इंतजामिया का डर। तिजोरियां भरने में मगर। सब्जी या फ्रूट जो भी लाते हैं ये गांव से जितना भी लाते हैं यहाँ दूना बेचते हैं। मंडी तेज होने की वजह से आगे हर आदमी परेशान है। हम भी परेशान हैं। फ्रूट महंगे हैं, आगे कम बिकते रहे, खराब ज़्यादा हो रहे हैं। जो सेब की पेटी 1800 रुपए की थी वो 2500 रुपए की, 2500 रुपए की हो गई है। तो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी देखें, जब ये बरकत महीना आता है तो इस महीने में लोग जो पहले से भी कम चीज़ें कर बेचते हैं। वह हमारा मुल्क है जिसमें चीज़ें की हर चीज़ की कीमत दुनिया हो जाती है। तो हर चीज़ में काफ़ी इजाफा हुआ है और सब्जी और ये फ्रूट वगैरह में तो 30-40 पर किलो के हिसाब से काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इससे गरीब आदमी को काफ़ी मुश्किल हो रही है। और जो फ्रूट है कम अज़ कम एक आदमी जो डेली का लेता है तो वो 500-700 का उसका फ्रूट बन जाता है। इस तरह शहरी फलों की कीमतों में इजाफे से परेशान। सर पीट कर रह गए। हुकूमत और इंतजामिया से गिरा फरोश को नकेल डालने और प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद कराने की दुहाई। दो की बजाय 5 ले लवे, 3 अपने वाल ले जावे, 2 इतने टोकरी रख दे ताकि किसी गरीब आदमी के काम आ जाए। जो भी कस्टमर हमारे से रोटी ले वो 1-2 रोटी के ज्यादा पैसे दे, गरीब लोगों की मदद हो सके ताकि मुस्तहकीन की मदद करें। भरम भी ना टूटे। अल्लाह की रजा और खुशनूदी हासिल करें। खामोशी से सच न्यूज की काविश नेकरी की टोकरी का हिस्सा बने। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। मुतासरीन की तादाद 29,21,000 से तजावुज कर गई। 8,36,000 से ज्यादा मरीजों ने वायरस को शिकस्त दी। सक्रिय पे जिस्मी तौर पर कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान। इतलाक मक्का मुकर्रमा पर नहीं होगा। 29 अप्रैल से 13 मई तक तमाम मार्केट्स भी खुली रहने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को लंगड़ा करार दे दिया। कहा अमेरिकी मीडिया सिर्फ जाली खबरें नशर करता है। कोरोना पर योमिया ब्रीफिंग रेटिंग सबसे ज्यादा है। सहाफियों के सख्त सवालात से डर गए। कोरोना इलाज की तजवीज पर रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस मंजूर। कोरोना वायरस का शिकार बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन मुकम्मल सेहतियाब। इस हफ्ते के आगाज पर ऑफिस ज्वाइन करेंगे।
आटा चीनी स्कैंडल रिपोर्ट में दो हफ्ते की ताखीर मिली भगत। सौरभ के हुकूमती डाके की तस्दीक है, काबीना और सब्सिडी की मंजूरी देने वाले जिम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ का चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में ताखीर पर रद्द अमल। सिंध हुकूमत का वबाई अमराज एक्ट में तरमीम का फैसला, आर्डिनेंस का मुसव्वदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में एक माह बाद पेट्रोल इंपोर्ट खोलने का फैसला, मार्केटिंग कंपनीज डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट कर सकेंगी। बैन अलाक्वामी फजाई ऑपरेशन की बंदिश में 15 मई तक तौसी, खुसूसी परवाजों और चार्टर तैयारों को इस्तेस्ना, बिरोने मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने वाले तैयारे ही आ जा सकेंगे। कराची के इलाके सरजानी सेक्टर 7D में गढ़े में गिरकर 5 बच्चे जान बहक, 2 सग भाई भी शामिल, उम्र 9 से 14 साल, गढ़े में नहा रहे। मुजबादी में कर्फ्यू और जबरी पाबंदियां बरकरार, कोरोना वायरस से मुश्किल में इजाफा, 90 लाख मजलूमों को अद्वियात और खुराक दस्तियाब नहीं, आलमी दुनिया खामोश तमाशाए। टिड्डी दल ने फसलों के बाद आबादी का रुख कर लिया, गुड्डू और कश्मीर की गलियों में गोल की उड़ान, शहरियों में खौफ और हरास फैल गया। और मुल्क के बेशतर इलाक में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई, बालाई पंजाब कश्मीर और मलेका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।